चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीएसपी हो, सबकी जबानें बंद नहीं। हत्ता के स्टेज पर किसी मुसलमान लीडर तक को चढ़ने की इजाजत नहीं थी। मुस्लिम समाज को लेकर सभा के बदले राजनीतिक रुख से केवल आजम खान का परिवार ही निराश नहीं है, बल्कि अलविदा नमाज में कल दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी का दर्द भी छलक आया और इस दौरान उन्होंने इशारों इशारों में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर जोरदार हमला किया। अपनी बात रखने के दौरान इमाम सैयद अहमद बुखारी ने सीधे सीधे यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का नाम लेकर निशाना साधा। माना जा रहा है कि अहमद बुखारी के इस बयान के बाद यूपी में अखिलेश की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि मुस्लिम वोटर अन्य दलों के साथ मसलन कांग्रेस अथवा बहुजन समाज पार्टी के साथ भी लामबंद हो सकते हैं। दरअसल कल जुमे की नमाज के बाद सैयद अहमद बुखारी ने सियासी चर्चा करते हुए अखिलेश यादव पर बड़ा बयान दिया, और क्या बयान दिया आप खुद ही सुनिए। सेकुलरिज्म, इन सियासी जमातों का सेकुलरिज्म कोई सेकुलरिज्म नहीं, हमारे लिए वो सेकुलर नहीं थे। आज इख्तदार से बाहर हैं तो थोड़ी बहुत हमदर्दी दिखाई दे रही है, लेकिन जब अभी हाल में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हो रहा था तो किसी सेकुलर जमात के लीडर के मुंह से मुसलमान का नाम निकला, या आपने गौर किया? नहीं। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीएसपी हो, सबकी जबानें बंद नहीं। हत्ता के स्टेज पर किसी मुसलमान लीडर तक को चढ़ने की इजाजत नहीं थी। कोई टोपी और दाढ़ी वाला स्टेज पर नहीं चढ़ सकता था ताकि उनके ऊपर ये इल्जाम न लगे कि मुसलमानों के हामी। वोट हमसे लो, इख्तदार इस मुसलमान के जरिए हासिल करो। 96% मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को वोट दिया, 96% मुसलमानों ने। वो तो इख्तदार में नहीं आए, माजी की तरह उनका रवैया भी यही रहता तो मेरा करने का मतलब यह है कि इन सियासी जमातों का सेकुलरिज्म और हमारी ये दुर्गत, इस पर अफसोस होता है। क्या कर सकते, तुम्हारा इख्तदार था, फौज तुम्हारी थी, पुलिस तुम्हारी थी, हम तो बेबस रहे। इस 70 साल तक हम बेबस रहे। कहते हैं ना, मोर नाचता है जब अपने पैरों को देखता है तो रो पड़ता है, वो हाल हमारी और तुम्हारी। अहमद बुखारी के इस बयान के बड़े राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं, यानी कि मुस्लिम तबका अब लामबंद होने जा रहा है अखिलेश यादव के खिलाफ। फिलहाल देखना होगा कि अहमद बुखारी के इस बयान के बाद अखिलेश यादव की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।